हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आंसर राइटिंग का सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, और आंसर राइटिंग सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। तो आज मैं लाई हूँ GS2 का क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर का है। तो आपको मैं बताऊंगी कैसे लिखते हैं क्वेश्चन और कैसे उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हो, ठीक है? तो बिना टाइम को फालतू बर्बाद किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, ये रहा क्वेश्चन GS2 का। GS2 में पॉलिटी के सेक्शंस में काफ़ी होते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन दिया है संवैधानिक नैतिकता के बारे में, कि जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्विक फलकों पर आधारित है। संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांतों की प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना करना है। तो विवेचना करनी है, तो 10 अंक में का क्वेश्चन है और 150 वर्ड में लिखते हैं, जो कि कम वर्ड होते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छा ही लिखना पड़ेगा, तभी मार्क्स अच्छे मिल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया है, द रूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स लाइज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल इटसेल्फ एंड इज बेस्ड ऑन इट्स इसेंशियल एस्पेक्ट। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट जुडिशियल सिस्टम। ओके, तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में दो दिए हैं, आपको जो सुटेबल लगे आप कर सकते हो। तो यहाँ पर एक मतलब बताएंगे, B.R. अंबेडकर ने विधायिका के बारे में अपने संदेह व्यक्त कराते हुए संविधान सभा के बहस के दौरान संवैधानिक नैतिकता, देखिए संवैधानिक नैतिकता वाक्यांश का इस्तेमाल किया था। उनके आह्वान के वर्षों बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक बार फिर से संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत का उल्लेख किया। तो इस तरह से अगर आप आंसर लिखेंगे इसको, इसका मार्क्स तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तब से सिद्धांत केवल संविधान की सहज आवाज के रूप में विकसित हुआ है, जो कि सामाजिक नैतिकता से अलग है, ठीक है? दूसरा इंट्रो के बारे में डिस्कस करते हैं। संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है, आप इसको डेफिनेशन से भी लिख सकते हैं, जैसे लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का पालन करना। भारत में इस शब्द का पहली बार प्रयोग B.R. अम्बेडकर ने किया था। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन, वही चीजें हैं, थोड़ा सा आपको अलग तरीके से बताई गई हैं, जैसे संघर्ष विभिन्न समूहों के बीच किसी टकराव के बिना इन्हें सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए प्रशासनिक सहयोग के बारे में बात की गई थी, ठीक है? इन दोनों में से इंट्रो आपको जो भी ठीक लगे आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना कैसे लिखना है? जैसे कोई चीज के बारे में आपको अगर कोई थॉट पता है या फिर कोई डाटा पता है, तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर वो करंट में न्यूज हो तो और अच्छी बात है। तो मेन बॉडी के बारे में क्या? समकालीन संदर्भ में संविधान के मूलभूत तत्वों को संदर्भित करता है। इसका दायरा केवल संवैधानिक प्रावधानों का अक्षरता पालन करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संविधान के अंतिम उद्देश्य को सुनिश्चित करने तक विस्तृत है। तो देखिए ये जो पॉइंट है, आपको अंतिम उद्देश्य को सुनिश्चित करना बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य है कि एक सामाजिक न्यायिक परिदृश्य का निर्माण हो, जो प्रत्येक नागरिक के पूर्ण व्यक्तित्व को विकसित व प्रकट करने का अवसर प्रदान कर सके। मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखा है, आप इसको फ्लो चार्ट में भी बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर भी सकते हो। तो संविधान का मूल लक्ष्य क्या है वगैरह आप बताते हुए आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी उसके विभिन्न निर्णय अंतर्गत संवैधानिक नैतिकता की व्याख्या एक परिपक्व लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन हेतु संवैधानिक नैतिकता की अनिवार्यता को रेखांकित किया गया है, ठीक है? इसको बताते हुए आप लिखेंगे आगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि 1973 के केशवानंद भारती मामले में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता की मर्यादा को स्वीकार करते हुए संविधान संशोधन की संसद की असीमित शक्ति का आधारभूत संरचना के रूप में सीमा आरोपित की थी, ठीक है? ये आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का बहुत ही इफेक्ट पड़ता है आंसर राइटिंग में। तो 2017 के नाज फाउंडेशन वाद में दिए गए निर्णय में भी इस अवधारणा को मूर्त रूप से नियोजित किया गया, जिसमें इसका उपयोग भारतीय दंड संहिता 377 को निरस्त कर समलैंगिक को अपराध मुक्त घोषित करने के लिए किया गया था। यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल है, सबरीमाला मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता को भारत की सामाजिक नैतिकता के ऊपर प्राथमिकता देते हुए महिलाओं के मंदिर में प्रवेश को प्रतिबंध से हटाया था। दिल्ली के उपराज्यपाल से संवैधानिक विवाद में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता की व्याख्या करते हुए लोगों में लोकतंत्र का पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता को रेखांकित करने वाला विचार बताया था। तो ये जो एग्जाम्पल है 3-4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम्पल दे के अच्छे मार्क्स और अच्छा एक्सप्रेशन एग्जामिनर पर डाल सकते हैं। तो ठीक है, इतना लिखने के बाद हम निष्कर्ष लिखेंगे, क्योंकि 150 नंबर 150 वर्ड का क्वेश्चन है। तो निष्कर्ष में आप लिखोगे, संवैधानिक नैतिकता एक जिम्मेदार नागरिक के मन में पैदा होने वाली भावना है, ठीक है? संवैधानिक नैतिकता को कायम करना न केवल न्यायपालिका या राज्य का बल्कि व्यक्तियों का भी कर्तव्य है। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से उस प्रकार के समाज का उल्लेख है जिसे हम स्थापित करना चाहते हैं, केवल संवैधानिक नैतिकता के माध्यम से ही वास्तविकता बन सकती है। तो इस तरह का छोटा सा अच्छा सा कंक्लूजन देते हुए अपने आंसर को समाप्त कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये आंसर?
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको कैसा लगा ये आंसर राइटिंग, और इस तरह के कितने भी कौन कौन से आंसर चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप उसको दे सकते हैं, हम उसको भी एक्सप्लेन करके आपको आंसर लिख के बताएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके मॉक टेस्ट वगैरह से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी का माइंड रीड करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, आप इसके पहले का भी वीडियो देख लीजिएगा जिसमें और भी जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है। ठीक है, थैंक यू, बाय।